Talent. What is talent actually? What is the meaning of talent? Actually, this is the propaganda among the people, are you know, such a word like talent. Talent is nothing, dear. It's a continuous and regular practice makes you talented. Talent is not by born. Talent is nothing which is, you know, from mother's womb. Talent maa ke pet se nahi aate. Talent जो होते हैं वो हमारा रेगुलर और कंसिस्टेंट जो प्रैक्टिस है, रेगुलर प्रैक्टिस है, उससे आते हैं टैलेंट. एंड इफ यू आर द रेगुलर प्रैक्टिशनर, इफ यू आर द कंसिस्टेंट परफॉर्मर, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू हैव द कंसिस्टेंसी इन योर वर्क, सडनली यू विल बी टैलेंटेड. एंड समडे पीपल विल से वन इज द वेरी मच एक्सपर्ट. मीन्स इफ यू वॉन्ट टू जस्ट बी टैलेंटेड एंड एक्सपर्टाइज, गेट एक्सपर्टाइज, जस्ट बी द थिंग्स लाइक टू बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क. सपोज आपको मैथमेटिक्स नहीं आते और आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर नॉट टैलेंटेड बाय द पीपल. पीपल आर नॉट सेइंग यू आर टैलेंटेड. पीपल विल से ही इज डम. ऑफकोर्स यू मे डम, हो सकते हो आप डम हो, लेकिन लोग के हिसाब से. लेकिन आप टैलेंटेड हो. अगर आपने रेगुलर प्रैक्टिस करा तो एक दिन आएगा जब उस दिन में क्या हो जाओगे, आप एक्सपर्टाइज हो जाओगे और आप टैलेंटेड हो जाओगे. मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनाया था जेपेन के एक लड़का के बारे में, हो ओकायो के बारे में. ओकायो क्या था, वो उसके हाथ एक टूट गए थे, कट गए थे एक्सीडेंट में. गुरु के पास गया, मुझे जूडो कराटे सीखना ही है, उसको जुनून था, मुझे सीखना है, सीखना है तो सीखना है. गुरु ने कहा तुम्हारे पास बाएं हाथ तो है नहीं, तुम कैसे करोगे. बोला कि कैसे करूँगा वो मुझे नहीं मालूम, आप मुझे सिखाएं. बस लास्ट में गुरु को झुकना पड़ा, कहा कि ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, मेरे से प्रश्न आके नहीं पूछोगे, ये आके नहीं पूछोगे कि हाँ मुझे क्यों नहीं, मेरे को कैसे नहीं, कुछ नहीं, मैं जो कर रहा हूँ उतना ही करना होगा. बोला कि ठीक है, गया. एक ही उन्होंने दाव बता दिया, कहा कि प्रैक्टिस करते रहो. महीने दिन, दो महीने, तीन महीने, छः महीने भी बीतने के बाद भी गया, कहा कि सब को तो क्या क्या सिखा दिया, मुझे एक ही सिखाया. बोला कि तुमने मेरे से वादा किया था कि हम प्रश्न नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, तुम उस दाव को सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो. प्रैक्टिस करा 3 साल 4 साल. अचानक से 4 साल के बाद एक इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ, चैंपियनशिप हुए. और उस चैंपियनशिप में वो क्या होता है, बहुत मेहनत करके किसी तरह से फाइनल तक पहुंच जाता है. जब फाइनल में पहुंचता है तो जो फाइनल वाला जूडो कराटे करने वाला था, जो प्लेयर था, वो एक्सपर्ट था, वर्ल्ड में नाम था उसकी, वो मारता था और सामने वाला मर भी जाते थे. जैसे ही ये लोग रेस में उतरा, रिंग में उतरा, एक ही पंच मारा, वो कौन, जो प्लेयर था, एक्सपर्ट प्लेयर था, जो नंबर वन प्लेयर था, इसके मुंह हाथ से सबसे खून आने लगे और एक गिर गया. जब गिरा तो इसके गुरु सामने थे. इसने गुरु को देखा और अपने को बताया गुरु को कि मैं तो हार रहा हूं, अब गया. गुरु ने सर हिलाया, नहीं तू हार नहीं सकता, तू खेलो. और वो खूब पिटाया. लेकिन एक ही बार में एक ऐसा पंच मारा जो पंच में सामने वाला दो नंबर वन प्लेयर हार गया, मर गया, और वो जीत गया. बाद में बड़ी दुखी होकर गुरु के पास पहुंचा. बोला कि अरे भाई तुम चैंपियन हो, तुम क्यों दुखी हो. बोला कि लग रहा है जैसे सामने वाला प्लेयर ने मेरे पर दया किया है और उस दया के चलते मैं जीत पाया हूँ. इतना मारा, पटक पटक के मारा कि कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ा, हम तो मरे की स्थिति में हैं और फिर भी जीत गया, तो बताइए, तो दया ही थी उसकी कि छोड़ दिया हमको. बोला नहीं, वो दया नहीं थी. जिस चाल को तुम जानते थे उस चाल को बीट करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था कि वो तुम्हारा बायां हाथ पकड़े, और तुम्हारे पास तो बायां हाथ थी नहीं, तो पकड़ता कैसे, इसीलिए तू जीते हो. तो ध्यान रखना, ये बात टैलेंट की कहीं बात नहीं है. बात कहाँ है, जस्ट बी द रेगुलर प्रैक्टिशनर. रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो, देखना रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले लोग क्या करते हैं. उसको अगर जानना हो तो जाके सबसे अधिक तुमको देखने के लिए मिलेगा तो टेक्निकल लोगों को मिलो. टेक्निकल लोगों को मिलोगे आप, 100 लोगों को मिलो, उसमें से 99 लोग ऐसे मिलेंगे जिनके गांव में उनको मजाक उड़ाए जाते थे, उनको कुछ ऐसे नाम से बोले जाते थे जिसमें मंदबुद्धि कहे जाने वाले लोग थे. आज जब उनको काम करते हुए देखोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा यही मंदबुद्धि वाला है, इतना बड़ा घर तैयार कर रहा है और एकदम से नाप नाप के सीधा सीधा तैयार कर रहा है, वो कैसे हुआ, उसके रेगुलर प्रैक्टिस करने के चलते हुआ, इतना बार प्रैक्टिस करा कि वो टैलेंटेड हो गया.
So talent is not from the mother womb. Talent is from the our regular and consistent practice. So just go and have the current, you know, consistent and regular practice, you will be talented.